हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं साथियों? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। साथियों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे गायनेकोमैस्टिया। यह गायनेकोमैस्टिया क्या चीज़ है? साथियों, जब एक पुरुष में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो उनका वक्ष स्थल है वह सुडौल आकार लेने लगता है और महिलाओं के स्तन की तरह देखने में लगता है, तो इस अवस्था को गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। साथियों, इसका एक सीधा मुख्य कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन की सिक्रीशन जो है होने के वजह से उनमें मर्दों वाले लक्षण आते हैं, जैसे मूंछों का आना, बालों का आना, आवाज में चेंजिंग होना और तमाम ऐसे पुरुषों के लक्षण टेस्टोस्टेरॉन के वजह से होता है। ये मोस्टली जो है 14 से 15 16 साल में जो है अपनी जो है चरम सीमा पे जो है देखने को मिलते हैं। लेकिन साथियों, किन्हीं कारणों बस टेस्टोस्टेरॉन के जगह पर जब पुरुषों में इस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है तो उनमें जो है फीमेल ब्रेस्ट जैसा उभार आना, सुडौलपन आना शुरू हो जाता है। इसके वजह से वह सोशली डिस्कम्फर्ट और जो है बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो है लोकप्रियता जो है उससे जो है बाधित होने लगती है और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह धीरे धीरे कम पड़ने लगता है। साथियों, इसके वजह से किसी सोशल प्लेस पे जाने पर, लोगों के बीच में होने पर, हित मित्रों के साथ में होने पर, या हॉस्टल में होने पर, या घर में होने पर वह जो है आम इंसान की तरह कॉन्फिडेंस लेवल में अन्य पुरुषों की तरह नहीं रह पाते हैं। हमेशा उनका ध्यान अपने वक्ष स्थल पर ही जाता है और इसके वजह से उन्हें तमाम तरीके की जो है मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही आइए जानते हैं इसका क्या कारण है। तो पहला कारण है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, टेस्टोस्टेरॉन के जगह पर इस्ट्रोजन का परसेंटेज बढ़ना। दूसरा, कोई टेस्टिस में चोट लग जाना जिसके वजह से जो है उनका जो है हार्मोनल जो है डिस्टरबेंस आना, पुरानी क्रोनिक लीवर डिजीज का होना, ये तमाम कारण होते हैं। एक सबसे बड़ा कारण जो आज के युग में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि खेल खेल में, हंसी मजाक में कुछ बच्चे जो होते हैं किसी दूसरे जो है बच्चे का वक्ष स्थल पार्ट को जो है रगड़ देते हैं, मीज देते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे ब्रूस और कंट्यूजन हो जाता है। यानी कह सकते हैं अपनी पूर्वांचल के भाषा में कि जो है एक तरफ का जो उनका जो चेस्ट है वह जो है सुडौल हो जाता, हार्ड हो जाता है, एकंगहा कह सकते हैं। एक तरफ का जो है छाती जो है एकदम फ्लैट देखने को मिलती है और दूसरे तरफ का जो है छाती उनका जो है फीमेल ब्रेस्ट जैसा आकार लेने लगता है। यह एक बहुत ही खास और आम जानकारी है, इससे बचना चाहिए। यह जो है किसी भी इंसान को बड़े मुसीबत में डाल सकता है। तो साथियों, बच्चे कोचिंग में, कॉलेज में, स्कूल में, हॉस्टल में मजाक में जो है पकड़ करके दबा देते हैं, जिसके वजह से जो है एक तरफ का उनका जो चेस्ट है वो एकंगहा हो जाता है, ब्रूस कंट्यूजन जैसा हो जाता है, हार्ड नाडुलर हो जाता है, लटक जाता है। तो ऐसी जो है किसी के साथ में दुर्गति ना करें, इससे वो बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है, अतः इन जो है बुरे आदतों से दूर रहें। आइए साथियों, बात करते हैं एक एक करके कि वह कौन कौन सी जो है होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके माध्यम से गायनेकोमैस्टिया से पूर्ण रूप से छुटकारा पाया जा सकता है। तो साथियों, ये वीडियो में स्पेशली जो है मैं बार बार कहता हूँ कि मैं एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के लोगों के लिए बनाता हूँ, क्योंकि जिसके पास में पैसा है वह प्लास्टिक सर्जरी करवा सकता है, बहुत तरीके से जो है अपना सर्जरी के माध्यम से, कॉस्मेटिक थेरेपी के माध्यम से ठीक हो सकता है। लेकिन बहुत से आज भी ऐसे भाई बंधु हैं कि जिनके पास ये नहीं ठिकाना है कि वह शाम का खाना खाएंगे कि दवाई करेंगे। उनके पास ना तो कॉस्मेटिक सर्जन का जो है प्लास्टिक सर्जन की फीस तक देने की जो है क्षमता नहीं है। तो ऐसे तमाम भाई बंधु मायूस ना हो अपनी बीमारी को लेकर। अगर जो आपने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ रखे हैं तो परेशान ना हो, आप इन जो है दवाइयों के माध्यम से उम्मीद करते हैं 100-150 रुपए में ही ठीक हो जाएंगे। तो साथियों, आपसे कृपद्ध निवेदन है कि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ,
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। यदि आपकी कोई समस्या है और आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपनी जो है समस्या लिख सकते हैं। साथियों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ना जाने आपके एक शेयर से किसकी समस्या का समाधान हो जाए। तो आइए साथियों बात करते हैं। अगर जो किसी ने जो है चेस्ट दबा दिया है बहुत तेज के वजह से, निपल एरिया में जो है सूजन हो गया, ब्रूस कंट्यूजन हो गया है, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो 15-18-20-22 साल के लड़के हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर जो किसी के दबाने के वजह से ऐसी दिक्कत आई है तो ऐसे में साथियों कोनियम माइक और आर्निका बहुत ज़बरदस्त काम करता है। जी हाँ दोस्तों, कोनियम माइक आर्निका। दूसरा जो कारण देखने को मिलता है, अगर जो फ्लेबी फैटी, बहुत ज़्यादा आदमी थुलथुला है, बहुत ज़्यादा फैलती है, बहुत मोटा है, थुलथुला शरीर है, बहुत ज़्यादा दूध तेल मसाला डेयरी प्रोडक्ट को प्रयोग करने वाला है, ऐसे साथियों में कैल्केरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करता है। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट मेडिसिन है कैल्केरिया कार्ब। किन्हीं कारणों से अगर जो आपका जो है राइट साइड में जो है गायनेकोमेस्टिया है तो ऐसे में लाइकोपोडियम बहुत ज़बरदस्त काम करता है साथियों। इसके अलावा साथियों, आप लंबे समय से देख रहे हैं कि आपका शरीर जो है एडिपोज टिश्यू की मात्रा बढ़ती जा रही है और आप जो है थुलथुले होते जा रहे हैं और शरीर आपका जो है कई बेल्ट में जो है टूटता जा रहा है बहुत सारे जो है, तो ऐसे समस्याओं में साथियों ये जो है कैल्केरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है, तो ऐसे में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती जा रही है और टेस्टोस्टेरॉन कम हो रहा है, बहुत आसानी से उन्हें आप पहचान सकते हैं कि उनको देखने में उनका उम्र ज़्यादा है, रियल में भी उम्र ज़्यादा है, शरीर बहुत ज़्यादा जो है लंबा चौड़ा गोल मटोल या जो है नाटा चाहे जैसा है लेकिन मूछें बिल्कुल नहीं, एकदम सफाचट, बिल्कुल क्लीन, नीट क्लीन है। उनका हाव भाव भी जो है कुछ है तो पुरुष लेकिन महिलाओं जैसे देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे लोगों में टेस्टोस्टेरॉन, जी हाँ दोस्तों, जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है टेस्टोस्टेरॉन। इस दवा के प्रयोग से उम्मीद करते हैं कि गायनेकोमेस्टिया की समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। साथियों, इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बहुत से हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो कि 14-15 साल की उम्र में ही जिम करने चाहिए, शरीर थुलथुला है, अब जिम कर रहे हैं और जिम के साथ साथ में जो है फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो फूड सप्लीमेंट में स्टेरॉइड्स हो सकता है या जो है वो आपके हार्मोनल को जो है चेंज करने में, इम्बैलेंस करने में सक्षम हो सकता है, इसके वजह से आपको ऐसी समस्या हो सकती है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जिम ना करें, करें, लेकिन जो है नॉर्मल सोर्सेस से जो है आप अपने आप को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करिए, जैसे कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग। अगर जो आपका वजन जो है 100 kg है तो आप 1 किलो खाइए, 50 kg है तो आप 0.5 किलो खाइए। इस तरीके के कई तरीके के फलों का, खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करने से आपको फूड सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई तरीके का हरा साग सलाद, जी हाँ दोस्तों, कई तरीके के कच्चे साग सलाद का प्रयोग करिए, बड़ा अच्छा काम करेगा। और जो है डांसिंग इज़ द बेस्ट। अगर जो आप थोड़ी देर के लिए झूम लेते हैं, नाच लेते हैं, गुनगुना लेते हैं या मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा काम करेगा। अगर जो रनिंग करते हैं तो भी बहुत जल्दी आपकी चर्बी दूर होगी। अब इसके अलावा साथियों, अगर जो बात किया जाए तो मेडिकेशन, योगा बहुत अच्छा आपके लिए लाभदायक होगा और योगा के माध्यम से जो है आप बहुत जल्दी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। अब से इसे धीरे धीरे देखेंगे कि आप इन दवाइयों के प्रयोग से महीना 2 महीने में एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे और शायद सर्जरी से भी आपका शरीर बच जाएगा। आफ्टर सर्जरी बहुत ज़्यादा जो है निशान उशान भी देखने को मिलता है और कितनी बार सर्जरी कराएगा, एक अमीर आदमी तो करा सकता है लेकिन एक गरीब आदमी मान लो एक बार करा भी लिया, दोबारा फिर उसने जो है कोई तेल मसाला चटपटा डेयरी प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया फिर से आ जाएगा, तो कितनी बार। तो दोस्तों, रूट पे जो है वर्क करेंगे, काजेशन ऑफ द डिजीज यही है
तो काजेसन आप डिजीज को जो है होम्योपैथी क्योर करती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। साथियों आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ना जाने किसका 100-200 रुपए में जो है फिर से कॉन्फिडेंस लौट आए और उसे इतनी बड़ी जो है सामाजिक लोक लाज में जो है पढ़ना ना पड़े और वह बच जाए, उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।